खबर देहरादून से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते खेल विभाग में महंगे उपकरण व अन्य संसाधनों की खरीद चल रही है। ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो और यह भी ना हो कि आरोप के डर से काम ही ना कर सके, इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया। विशेष प्रमुख सचिव अमित सिंह ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहें। यह शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए लगा है। इसके जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी और नैतिकता से कार्य करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार में माध्यम नहीं बनने के तरीके सिखाए गए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो कि, क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कुछ ऐसा आता है, तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी, तो ये आज का एक मुख्य हमारा था। और ऐसे हमारे आने वाले समय में बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे, लगभग हर 10 दिन में आप देखोगे एक टीजर के रूप में हम कार्यक्रम करेंगे। 28 तक हमारे पास लगभग हम 9 ऐसे बड़े कार्यक्रम करेंगे जिसमें कि आने वाले समय हम, आपने देखा हो यूथ फेस्टिवल हमारा जो आने वाला है 10 से 14 के बीच में, उसमें भी हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे।